हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है शाइनी और आज के सेगमेंट में दोस्तों मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एयर इंडिया में एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की टोटल 60 वैकेंसीज जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए हैं। यस दोस्तों, ये सारी जॉब वैकेंसीज एक्सपीरियंस के लिए नहीं है बट फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए है। तो जो लोग यहाँ पे एविएशन में एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बिना किसी देरी के आपको ये बताती हूँ कि किस प्रोसेस को फॉलो करके आपको एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में इस जॉब के लिए अप्लाई करना है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप इसके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है। मैं दोस्तों हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मोस्टली यहाँ पे लोगों को जिनको इंग्लिश का ज्ञान नहीं है उनके लिए और ऑब्वियसली जिनको यहाँ इंग्लिश आती है तो आप सबके लिए दोस्तों जो कुछ भी मैं यहाँ पे बताऊंगी उसको समझने में कोई भी आपको परेशानी ना आए। ठीक, तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे समझते हैं जो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट लिखा है वहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने ब्लैक में लिखा है फॉर द पोस्ट ऑफ कस्टमर सर्विस एजेंट, मतलब कि एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में जो डिफरेंट डिफरेंट जॉब पोजीशंस होती है उसमें से कस्टमर सर्विस एजेंट की जॉब पोजीशन है ये फॉर द मुंबई एयरपोर्ट टेम्पररी असाइनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। मतलब आप ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ 6 महीने की नौकरी है, नहीं, 6 महीने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा और इसी 6 महीने पर आपको ट्रेन किया जाएगा क्योंकि हर एयरलाइंस का अपना डिफरेंट प्रोसेस होता है जिस तरीके से वो वर्क करते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों एयर इंडिया आपको पूरी तरीके से सब कुछ सिखाएगी, समझाएगी, ट्रेन करेगी और फिर ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस आगे चल के ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, उसको ये दोस्तों 3 साल के लिए यहाँ एक्सटेंड कर देंगे। तो सबसे अच्छी बात तो दोस्तों यहाँ पे ये है कि एयर इंडिया यहाँ पे 60 नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए लेके आया है उनको दोस्तों ये यहाँ पे टेम्पररी असाइनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स जहाँ पे आपको ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद दोस्तों ये आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपकी यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपकी नौकरी है, उसको 3 साल के लिए एक्सटेंड करेंगे और आगे चल के ऑब्वियसली अगर आपका यहाँ पे वर्किंग अच्छी रही तो फिर हो सकता है आप यहाँ पे परमानेंटली भी एयर इंडिया के साथ वर्क कर सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों हम यहाँ पे समझते हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। एक बार मैं फिर से आप लोग को बता दूँ कि क्या इनकी डेट है, क्या टाइमिंग है और क्या वेन्यू है। पोजिशन एक बार दोस्तों हम यहाँ पे जल्दी से रिपीट करते हैं, कस्टमर सर्विस एजेंट स्टेशन जो बेस से आपका वो रहेगा मुंबई एयरपोर्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 60। टाइमिंग डेट दोस्तों मैं बता दूँ अगले हफ्ते मतलब 12 नवंबर को आपकी यहाँ पे इंटरव्यू है, 9 बजे से लेके 12 बजे तक दोस्तों आपका इंटरव्यू चलेगा। तो एकदम पंचुअल रहिएगा, ये मत करिएगा कि हम बहुत देर में जा रहे हैं, टाइम पे दोस्तों आप यहाँ पे कहिए तो 1-2 घंटे पहले अपना पहले पहुँच जाइएगा। ठीक, वेन्यू दोस्तों हम यहाँ पे बताते हैं कि सिस्टम एंड ट्रेनिंग डिवीजन 2nd फ्लोर GST कॉम्प्लेक्स नियर एयरपोर्ट गेट नंबर 5 शहर पुलिस स्टेशन शहर अंधेरी ईस्ट मुंबई 4000999। ठीक दोस्तों, तो ये पूरा वेन्यू है, एक बार आप यहाँ पे समझ लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। हो पाएगा दोस्तों मैं इसका जो वेन्यू है और जो ये पूरा जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो पोजीशन, स्टेशन, नंबर ऑफ वैकेंसीज, वॉक इन डेट एंड टाइम और वेन्यू है, इसको दोस्तों मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। ठीक, अब दोस्तों मैं यहाँ नीचे समझते हैं इन्होंने और भी किन बातों को यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। एप्लीकेंट्स मीटिंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन दिस एडवर्टीजमेंट एज ऑन 1st नवंबर आर रिक्वायर्ड टू गो फॉर द वॉक इन इंटरव्यू। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई एयरलाइन की जॉब है, ला ऑनलाइन अप्लाई कर दिया जाए, हो सकता है कंपनी वाले हमें इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, बट दोस्तों एयरलाइन सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको वॉक इन इंटरव्यू की डेट्स दी गई हैं, काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, दर्शक मेरे को ये चीज़ लिखते हैं कि मैम ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ईमेल आई डी जिस पर हम मेल करते हैं। नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पे अगर वॉक इन इंटरव्यू की डेट्स बताएं तो आपको यहाँ वॉक इन इंटरव्यू पे ही जाना होगा, उसी तारीख पे, उसी वेन्यू पे। ठीक, अब दोस्तों हम यहाँ पे जल्दी से समझते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ग्रेजुएट्स इन एनी डिसिप्लिन, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप बीटेक हैं, आप एमटेक हैं, ठीक, आप बीकॉम हैं, चाहे आपने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिस भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने डिस्टेंस ग्रेजुएशन किया है या आपने फुल टाइम ग्रेजुएशन किया है, आप यहाँ पे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो जो डिग्री है दोस्तों वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, मतलब UGC रिकॉग्नाइज्ड डिग्री आपकी यहाँ होनी चाहिए, या फिर अगर आपने यहाँ पे इग्नू से पढ़ाई की है, सरकारी आपका इग्नू की सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, तब भी दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अब दोस्तों हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर का ज्ञान है, अगर आपके पास दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज है तो दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो मतलब बेसिक अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, इसके साथ आपके पास में ग्रेजुएशन है टोटल 3 साल का। अब ये मत दोस्तों आप मेरे से पूछिएगा कि मैम अगर हम 2nd ईयर में है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम 3rd ईयर में, नहीं, अगर आपके पास पूरी डिग्री है, लास्ट ईयर की मार्कशीट है तो दोस्तों आप यहाँ पे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अब दोस्तों हम यहाँ पे जल्दी से दूसरी कुछ बातों को समझते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे इन्होंने लिखा है एज को लेके सब कुछ, दोस्तों मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। लैंग्वेज को लेके दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शुड बी
हैविंग अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ इंग्लिश. अगर आपके पास लोकल आप कोई लैंग्वेज आती है, जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको मराठी का ज्ञान होना चाहिए. तो अगर आपको मराठी आती है, हिंदी आती है, हिंदी इन्होंने यहाँ मैंशन कर रखी है लोकल लैंग्वेज मतलब मराठी, और इंग्लिश तो ऑब्वियसली दोस्तों इज़ एन यूनिवर्सल लैंग्वेज. तो अगर आपको इन सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान है, अगर आपको मराठी का भी ज्ञान है, बट अगर आपको इंग्लिश का और हिंदी का अच्छे से ज्ञान है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, टू लर्न, टू राइट, टू स्पीक, अगर आपको ये सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान है, तो दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. ठीक, अब दोस्तों हम यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट समझते हैं. मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन 6 मंथ्स एट द एयरपोर्ट. अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पे 6 महीने का एक्सपीरियंस है मुंबई एयरपोर्ट पे, इन रिजर्वेशन, टिकटिंग, कंप्यूटराइज पैसेंजर चेक इन, कार्गो हैंडलिंग, इन एनी ऑफ द वेदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइन और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी. मतलब कि अगर दोस्तों आपके पास 6 मंथ्स का मुंबई एयरपोर्ट पे कोई भी एयरलाइन से रिलेटेड, जैसे कि ग्राउंड स्टाफ का जो वर्किंग होती है, हमेशा से मैं आपको बताती आ रही हूँ, रिजर्वेशन, एयर टिकटिंग, चेक इन, इन सब में किसी में भी दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों आप यहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट में इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो. सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों मैं आपको यहाँ जल्दी से बताती हूँ. स्क्रीनिंग सबसे पहले होगी. ठीक, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो सेम डे होगा. ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 1-2 दिन को यहाँ एक्सटेंड करें. जॉब स्टेशन कैंडिडेट्स होंगे, उनको दोस्तों यहाँ पे अपना ओन अरेंजमेंट करना पड़ेगा लॉजिंग एंड बोर्डिंग का. ठीक है, अपने ओन कॉस्ट पे. इफ़ रिक्वायर्ड, अगर बाई चांस आप यहाँ पे आउट ऑफ मुंबई से आ रहे हो, जो कि मुझे लगता है मोस्टली यहाँ पे लोग आउट ऑफ मुंबई के अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आप यू हैव टू बियर योर ओन कॉस्ट, ओन अरेंजमेंट्स आपको खुद करने होंगे. फिर दोस्तों आप यहाँ पे सी पॉइंट देख सकते हो. एज एप्लीकेंट्स आर बीइंग इनवाइटेड ओनली फ्रॉम द कैंडिडेट्स हैविंग रिक्विजिट एविएशन एक्सपीरियंस, ओनली अ स्क्रीनिंग प्रोसेस. अगर जैसे आपके पास दोस्तों यहाँ पे एविएशन का एक्सपीरियंस है, तो फिर आपका सिर्फ यहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोसेस यहाँ पे कैरी आउट कंडक्ट करवाया जाएगा. ठीक, हाउएवर द कंपनी एट इट्स डिस्क्रिशन में इंट्रोड्यूस द सिलेक्शन स्टेट ऑफ GD डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स. मतलब कि भाई डिपेंड्स कि कितने टाइप के कैंडिडेट्स आ रहे हैं, एविएशन एक्सपीरियंस्ड आ रहे हैं या फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, तो उसी बेसिस पे दोस्तों ये देखेंगे कि कितने कैंडिडेट्स हैं, किसकी कितनी क्वालिफिकेशन है, किसका कितना एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है तो या फिर एक्सपीरियंस्ड है, तो उसी के बेसिस पे दोस्तों ये यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करवाएंगे. बट अगर यहाँ पे मोस्टली तादाद में एविएशन एक्सपीरियंस लोग जिनके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है वो आते, तो फिर उस सिचुएशन में सिर्फ स्क्रीनिंग कंडक्ट करवाया जाएगा, GD आपका कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा. अब हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों कि इनकी स्टार्टिंग सैलरी क्या है. तो स्टार्टिंग सैलरी दोस्तों इनकी यहाँ पे है 1 महीने की टोटल जो आपकी पर महीना जो आपको सैलरी तनख्वाह दी जाएगी वो है आपकी 20,190. अब कंपनी इसके साथ में आपको क्या एडिशनल अलाउंसेस देती है, क्या एडिशनल पेमेंट्स देती है, ये कंपनी जब आप यहाँ पे अपना PI दोगे, तो दोस्तों आप एक बार इनसे ये बात के ऊपर ज़रूर डिस्कशन कर लीजिएगा. अब हम यहाँ पे दोस्तों समझते हैं आपका एज एलिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. एज ऑन 1 नवंबर 2018 जनरल OBC और SC ST की यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट एज लिमिट दे रखी है, अपर एज लिमिट जिसको हम कहते हैं. तो अगर हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी के, तो आप ये 28 साल से ज़्यादा के होने चाहिए. OBC हैं तो आप 31 साल से ज़्यादा के होने नहीं चाहिए. और अगर आप SC ST कास्ट कैटेगरी के, तो आप 33 साल से ज़्यादा के होने चाहिए. रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिलेगा इन एज फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस. ठीक, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर एक्सपीरियंसड कैंडिडेट्स. ठीक, अब दोस्तों हम यहाँ पे समझते हैं कि इनका क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, क्या इस तरीके से हाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस जॉब पोजिशन. ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जैसे जो भी आपका एज लिमिट, जो भी सब कुछ उन्होंने लिखा है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको अपना वॉक इन इंटरव्यू देना होगा. वॉक इन इंटरव्यू के लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ जमा करना होगा. एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोफॉर्मा जो फॉर्मेट है वो इस वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैं आपको बताऊंगी, जिसके साथ में दोस्तों आपको एक DD जमा करना होगा जो कि इन फेवर ऑफ एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड लगता है. हर बार एयर इंडिया जो भी अपनी दोस्तों यहाँ पे जॉब्स निकालता है उसमें वो DD ज़रूर यहाँ पे मांगते हैं. हर कंपनी का अपना डिफरेंट प्रोसेस होता है, हर एयरलाइन का अपना डिफरेंट कह सकते हो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है जो कि एयर इंडिया अपना फॉलो करता है. यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी आपसे 500 रुपये ली जाएगी. ठीक, तो अगर आपको यहाँ पे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपनी एप्लीकेशन फ़ी का DD इन फेवर ऑफ एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेबल एट मुंबई जमा करना होगा. नो फीस इज़ टू बी पेड बाई एक्स सर्विसमैन और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC ST कम्युनिटीज. मतलब कि अगर आप दोस्तों यहाँ पे SC ST कम्युनिटी के हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी जैसे आपको यहाँ पे मैंने DD का बताया, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी यहाँ पे DD जमा नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, ये जो दोस्तों DD है ये सिर्फ उन लोगों को जमा करना है जो कि आपके जनरल कैटेगरी के हैं, इसके अलावा आपके OBC कैंडिडेट्स हैं. ठीक, तो SC ST कम्युनिटी के जो है या एक्स सर्विसमैन है, उनको दोस्तों ये DD नहीं जमा करना होगा. उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स देख सकते हो. फोटोग्राफ के ऊपर काफ़ी लोग पूछते हैं, तो कलर्ड फोटोग्राफ दोस्तों यहाँ पे आपकी 3 मंथ पुरानी ना हो, फुल फेस फ्रंट व्यू में आपको अपनी यहाँ पे फोटोग्राफ जमा करनी है. इसके अलावा अगर आप OBC कैटेगरी के,
तो उसके ऊपर भी यहाँ पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने, ठीक, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़। एक बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी एयरलाइंस का कोई भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पर दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कैरी करिएगा। ये हरकत मत करिएगा कि भाई हम अपना इस कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर भूल गए हो, सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों अपने यहाँ पर आप कैरी करिएगा, ठीक। अब दोस्तों मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बताती हूँ। जनरल कंडीशंस आप नीचे देख सकते हो, बहुत ज़्यादा पॉइंट दोस्तों इसमें यहाँ पे दिए हैं, एक एक करके मैं आपको अपने हिसाब से जितना बन पड़ा दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, टेम्प्रेरी असाइनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ रखा जाएगा आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। यहाँ पे आपका 3 साल का वर्क टाइम पीरियड फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक्सटेंड किया जाएगा। इनिशियली जैसे कि सब कुछ मैंने आपको बताया कि अगर आप आउट स्टेशन हो तो सब कुछ यहाँ पे दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक। अब दोस्तों हम यहाँ पे समझते हैं थर्ड स्टेटमेंट इन्होंने क्या लिखा, कंसिडरेशन ऑफ एस सी एस टी ओ बी सी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट विल बी एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्टिव फॉर द अबव पोजिशंस, ठीक। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आप एक बार, मैं आपसे कहती हूँ कंठस्थ आप ये सारी बातें एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब दोस्तों हम यहाँ पे जल्दी से डिफरेंट डिफरेंट जो और पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं वो समझते हैं। एज को लेकर दोस्तों आपको जैसे मैंने बताया, ठीक, 1 नवंबर 2018 से पहले जो इन्होंने एज जो लिमिट दी है वो आपको इसको यहाँ फॉलो करना है। अब दोस्तों मैं आपको लास्ट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। कहते हैं रेफरेंस बड़ा मैटर करता है एयरलाइंस में, पर एयर इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने ये बात लिखी है कि अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, आउटसाइड इन्फ्लुएंस लाया, कोई रेफरेंस लाया, तो उसको यहाँ से इंटरव्यू में सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 7 पॉइंट देखिए दोस्तों यहाँ पे, एनी कैनवसिंग और ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू पॉलिटिकल अंडर इन्फ्लुएंस will be considered disqualified. अब दोस्तों मैं यहाँ पे जल्दी से समझते हैं क्या इनका है एप्लीकेशन फॉर्मेट, जो कि मैंने आपको बताया एप्लीकेशन फॉर्म, इसको प्रिंट कर लीजिएगा। इसके साथ में अपना डीडी जो 500 रुपये का है वो लेके जाना होगा, फोटोग्राफ अपनी यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे दोस्तों पोजीशन फॉर द कस्टमर सर्विस एजेंट, सिलेक्टेड स्टेशन है आपका मुंबई, आपका फुल नेम, फादर्स नेम, DOB, आपका प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, पोस्टल परमानेंट एड्रेस में दोस्तों जो आपका हो वही मेंशन करिएगा, ठीक है। नेशनलिटी, मदर टंग, बैंक नंबर, आप किसी भी वेदर SC ST OBC कैंडिडेट, वेदर फ्रॉम पुलिस सर्विस, वेदर फ्रॉम एनी स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड या थर्ड ईयर, इसके अलावा जिस भी लैंग्वेज का आपको ज्ञान है, जो भी फ्लुएंसी आपको जिस भी लैंग्वेज में, मदर टंग इंग्लिश, हिंदी, लोकल अगर मराठी आती है, कोई वर्क एक्सपीरियंस है अगर यहाँ पे आपको, DD की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना होगा, कौन से बैंक से कौन सी तारीख में इशू कराया, सब कुछ दोस्तों भरने के बाद अपना सिग्नेचर, इसके अलावा प्लेस, डेट जहाँ से आपने भरा है, जहाँ पे आप पोस्ट करें, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे भरनी होगी। डिक्लेरेशन पढ़ लीजिएगा कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसमें ये लिखा है, सारी इन्फॉर्मेशन जो जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो सब यहाँ पे रियल है, इसमें कुछ भी फेकनेस नहीं है, ठीक। तो ये दोस्तों सारी सी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको दी, अगर आपको कस्टमर सर्विस एजेंट की जॉब पोजीशंस के लिए एयर इंडिया में अप्लाई करना है। अगर दोस्तों आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कॉमेंट्स या क्वेरीज है, बेझिझक आप मेरे वीडियो के नीचे लिखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स आपके इन सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पे जो इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा है ये है दोस्तों 12 नवंबर को, और 12 नवंबर है अगले हफ्ते, ठीक। तो उससे पहले दोस्तों मैं चाहती तो इस वीडियो को अपना सकती थी, पर दोस्तों हुआ क्या कि कल पड़ गई दिवाली, जिस वजह से यहां पे मेरे से एक दिन का डिले हो गया, ठीक। और क्योंकि दोस्तों आज है आपका थर्सडे, तो इसलिए दोस्तों आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक। अब दोस्तों मैं जल्दी से यहाँ पे इस वीडियो को रैप अप करती हूँ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। हो सकता है एविएशन में किसी भी एक न्यू टॉपिक के ऊपर, अगर दोस्तों आप चाहते हैं यहाँ पे मैं एविएशन में किसी नए टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आऊँ, या फिर डिफरेंट करियर्स के ऊपर जो आप चाहते हैं, जिसके ऊपर मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँ, आपके साथ बातें शेयर करूँ, तो फिर उस टॉपिक का भी नाम दोस्तों मेरे वीडियो के नीचे लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहाँ पे जल्दी से रैप अप करती हूँ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय एंड टेक केयर।